हेलो फ्रेंड्स, माय फूड कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ व्रत वाली चटनियों की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे आप 1 वीक तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। इसे आप किसी भी स्नैक्स या चाट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 250 ग्राम इमली ले ली है। इसे हम गर्म पानी में भिगो कर 20 मिनट के लिए रख देंगे। 20 मिनट हो गए हैं, अब हम इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। इसे हमने अच्छे से मैश कर लिया है, अब हम इसे छान लेंगे। इसके ऊपर हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि इसका पल्प अच्छे से निकल जाए। ये हमने सारा छान लिया है, अब हम इसे पैन में डालकर कुक कर लेंगे। अब इसे हम थिक कंसिस्टेंसी तक अच्छे से पका लेंगे। अब इसमें हम 250 ग्राम ही गुड़ डाल देंगे। इसमें 1/4 चम्मच नमक ऐड कर देंगे, 1/4 चम्मच जीरा डाल देंगे और 1/2 चम्मच रेड चिली पाउडर डाल देंगे। अगर आप व्रत में रेड चिली पाउडर नहीं यूज़ करते हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसमें अच्छा कलर देने के लिए मैंने डाल दिया है। 1/2 चम्मच इसमें मगज डाल देंगे। अब ये चटनी थिक हो गई है। गैस को बंद करके हम इसे थोड़ी देर ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने पे ये और भी थोड़ी थिक हो जाएगी। ग्रीन चटनी बनाने के लिए मैंने धनिया के पत्ते और पुदीने के पत्ते ले लिए हैं। इसमें 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाल देंगे और 2 हरी मिर्ची डाल देंगे। 1 चम्मच इसमें नींबू का रस डाल देंगे। स्वाद अनुसार इसमें नमक ऐड कर देंगे और 1/2 चम्मच जीरा पाउडर डाल देंगे। 1/4 चम्मच शुगर डालकर इसे ग्राइंड कर लेंगे। ये हमने ग्राइंड कर लिया है, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे एक बार दोबारा ग्राइंड करेंगे। अब ये ग्रीन चटनी एकदम तैयार हो गई है। कोकोनट चटनी बनाने के लिए मैंने फ्रेश कोकोनट ले लिया है। इसके पीछे से हम इसका छिलका उतार लेंगे। आप चाहे डेजिग्नेटेड कोकोनट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोकोनट को मैंने छोटे पीसेस में काट लिए, अब हम इसे ग्राइंडर जार में डाल देंगे। 2 चम्मच इसमें रोस्टेड पीनट पाउडर डाल देंगे। 1 इंच अदरक और 1 हरी मिर्ची डाल देंगे। 1/2 चम्मच इसमें सेंधा नमक डाल देंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। ये हमने इसे ग्राइंड कर लिया है, इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और इसे एक बार दोबारा से ग्राइंड कर लेंगे। ये कोकोनट चटनी रेडी हो गई है, अब हम इसके लिए तड़का रेडी करेंगे। एक पैन में हम 1 चम्मच ऑयल या घी ले लेंगे। इसमें हम 1/2 चम्मच जीरा और कड़ी पत्ते डाल देंगे। ये तड़का रेडी हो गया है, इसे हम कोकोनट चटनी पर डाल देंगे। ये हमारी तीनों व्रत वाली चटनी बनकर एकदम तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से आपको मेरे नई डिश की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।